देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। बिजनौर में थाना चांदपुर क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। दरअसल एक युवक की विद्युत लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। ये कोई पहला मामला नहीं है जब बिजली विभाग की लापरवाही इस तरह से सामने आई। इससे पहले भी 4 महीने पहले एक ही घर के 3 बच्चों की विद्युत लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। क्षेत्र में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद विद्युत विभाग की लापरवाही से लगातार हादसे हो रहे हैं, जिसमें लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिली। पिछले 4 दिनों से बिजली लाइन के तार टूटे पड़े हैं, जिसको ग्रामवासियों द्वारा विद्युत विभाग को अवगत भी कराया गया, लेकिन विद्युत विभाग को शायद किसी हादसे का इंतजार था। मोहम्मद आकिल, कौन से ग्राम से? ग्राम चौंदेड़ी। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है सर, 3-4 दिन से जो है हमारे यहाँ पे तार टूटे हुए थे पेड़ों में, वहाँ पे आग लगी और तार टूट गए। उसके बाद से फिर जो है लाइट नहीं आई, 4 दिन से तार टूटे हुए नीचे पड़े रहे ज़मीन पे। हमने बिजली वालों से जो है कई बार इत्तला की, बिजली घर भी, कि यहाँ पे तार टूटे हुए हैं। वो आए और उनके बम्पर खोल के और चले गए। लापरवाही से एक आध बम्पर लगा हुआ छोड़ भी गए। अच्छा, उसी वजह से लाइट आई। तो फिर अचानक में उनसे कहा गया बार बार कि जो है जी वो तार ठीक कर दो, बिजली नहीं आ रही 3-4 दिन से गाँव के अंदर। बोले क्या ना, हम जो है ठीक करते हैं, आप पहले पेड़ जान लो। विद्युत विभाग का कर्मचारी गांव में पहुंचा और विद्युत लाइन के पास पेड़ों को काटने के लिए ग्रामवासियों से ये कहकर कि विद्युत लाइन का संचालन बंद करवा दिया गया है, आप ये पेड़ काट दो। ग्राम में रहने वाला एक युवक नसीम पुत्र मुनीर पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़ने के बाद विद्युत विभाग द्वारा अचानक से बिजली का संचालन चालू कर दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसको CHC अस्पताल पहुंचाया गया। वहां उसको डॉक्टर आशीष ने मृत घोषित कर दिया। सूचना देने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। परिजनों ने बिजली विभाग के विरुद्ध कोतवाली चांदपुर में तहरीर दे दी है। तो वहीं मृतक के परिजनों की मांग है, जो इस प्रकरण में दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।